हाय, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह के साथ मैं आपके साथ मौजूद हूँ। हसीना उठ गई है। हसीना, आप क्या कर रही हैं? हसीना, हसीना आप कब उठी हैं? आप कब उठी? कब उठी आप हैं? आप कब उठे थे? हसीना उठ गई हैं और अभी वो मेरे बेड को स्पॉइल करने की कोशिश कर रही हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ। व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग? हसीना, लुक एट मामा। हसीना, लुक एट मी। हसीना, हसीना, हसीना को गर्मी की वजह से एलर्जी हुई हुई है बहुत ज़्यादा, जो इसको बहुत डिस्टर्ब कर रही है। कल ये पूरी रात बेचैन रही है, और जब हम लोग गए थे कुछ हम लोग को काम था पार्लर में, इसलिए हम लोग कल जिनान ब्यूटी सैलून गए थे, वहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी। तो हसीना इतना डिस्टर्ब रही, वरना हसीना गाड़ी में बहुत खुश रहती है अपने बाबा के साथ। हाँ, वैसे तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं आपको हसीना के वो ड्रेसेस दिखाऊंगी जो मैंने इसके लिए ईद के लिए कस्टमाइज़ करवाए हैं और जो बाय किए हैं। इसके अलावा आप लोग को एक पेज बताऊंगी, वहाँ से आप लोग ड्रेसेस अगर बाय करेंगे तो उसका स्टफ भी बहुत अच्छा है, उनके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं, और इसके अलावा उनके रेट्स भी बहुत रीज़नेबल हैं। तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग वहाँ से जो है ड्रेसेस बाय करें। अच्छा, ये हसीना का पहला ड्रेस है जो मैंने कस्टमाइज़ करवाया है, जिसके साथ एक छोटा सा मैंने पाउच भी बनवाया है। ये इसकी छोटी सी दुपट्टिया है और ये इसकी शॉर्ट शर्ट है। इसके अलावा इसके नीचे जो है वो लहंगा है, और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा ड्रेस है। अच्छा, इसके बैक पे जो है ये इस तरीके से डोरी है, ये देख सकते हैं हम लोग, इसके बैक पर इस तरीके से डोरी आएगी। और वाइट कलर मुझे पर्सनली तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने ये ड्रेस जो है इसका ये वाइट कलर में कस्टमाइज़ करवाया है। सेकंड ड्रेस जो है वो ये है इसका, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मियाँ हैं और हसीना इस वक्त जो है वो बस खींचने में लगी हुई। नो हसीना, नो 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 नो। ये शर्ट है इसकी स्लीवलेस, और ये इसकी ट्यूलेट है। आप लोग क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, अपनी बेबीज़ के भी इस तरीके के ड्रेसेस बनवा सकते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त लुक देते हैं। फेस्टिव का फेस्टिव लगता है और कंफर्टेबल का कंफर्टेबल। अच्छा, एक मैंने इसका एक ये टॉप बनवाया था, ये इसको मैं वाइट कलर की पैंटी के साथ वेयर करवा दूँगी। एक मैंने इसका ये ड्रेस बनवाया था, क्योंकि गर्मियाँ ज़्यादा हैं और थोड़ी देर ही बच्चे उस तरीके के कपड़े पहनते हैं, उसके बाद उनको कैजुअल में लेकर आना पड़ता है। ये ड्रेस, ये टॉप भी बहुत प्यारा है, इसके साथ मैंने ये टाइट्स बनवाया था इस तरीके से, नीचे इसमें मौजूद है। और पीच कलर का ये टॉप है, बहुत क्यूट सा, वाइट कलर से इस पर डिटेलिंग हुई हुई है, वाइट लेस से, और ये ऑफ वाइट सा इसका टाइट्स है। अच्छा, एक ड्रेस जो हसीना और मेरा हम दोनों का ट्विनिंग है, अभी मेरा स्टिच होकर आ गया है लेकिन हसीना का भी स्टिच नहीं हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि जो ड्रेस मेन ईद पर हम दोनों ट्रेनिंग करने वाले हैं, वो भी बहुत प्यारा ड्रेस है। अच्छा, अब उन ड्रेसेस की बात करती हूँ जो मैंने इसके ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं, और जिस पेज से ऑर्डर किए हैं वो आराइश और ज़बाइश है। उनका स्टफ बहुत बेहतरीन होता है, उनके प्राइजेस बहुत रीज़नेबल है, और स्टफ जो है वो उसकी लाइफ भी बहुत अच्छी है। ये देख सकते हैं आप, ये ग्रेइश कलर की वाइट कंट्रास्ट के साथ बहुत प्यारी सी इसकी फ्रॉक है, साथ में ये इसकी स्ट्रेट कट पजामा है। एक ये ड्रेस मैंने उनसे बाय किया, इसके अलावा एक मैंने हसीना के लिए ये कट शोल्डर्स शर्ट है बहुत प्यारी सी, उसके साथ ही थी शॉर्ट है, ये बाय किया मैंने। अच्छा, एक ड्रेस ये है हसीना का, नो हसीना, नो नो। हसीना जो है वो बस हर चीज़ को स्पॉइल करने में लगी हुई है। बहुत क्यूट सा इसका डिफरेंट सा लुक है, ये इसकी लाइट लेमन सा कलर है, इस कलर की शर्ट है, और ये इसकी क्यूट सी स्लीव्स हैं, ठीक है, नेट की स्लीव्स हैं, इस पर एम्ब्रॉयडरी से डिटेलिंग हुई हुई है। बाकी इसके साथ भी जीन्स का शॉर्ट कह लें, या फिर आप
इसको स्कर्ट स्टाइल शॉर्ट कह लें, बहुत स्टाइलिश सा ड्रेस है ना ये भी। ये भी मैंने 2500 से 2200 से ही बाय किया था खजीना के लिए। अच्छा, एक ये बहुत क्यूट सा कैजुअल सा ड्रेस है, बिल्कुल टॉप स्टाइल इसकी शर्ट है और इसके साथ ब्लैक कलर का जो है वो टाइट्स नुमा ट्राउज़र है, ठीक है, बहुत प्यारा ये भी ड्रेस है। और एक ये टॉप मैंने बाय किया था, ये वैसे मैंने मिलेनियम से बाय किया था, ये भी बहुत क्यूट सा शिफॉन टॉप है। ये मैंने इसके लिए एक जीन्स के साथ लिया है, इसके साथ या तो मैं इसको ब्लैक जीन्स वेयर करवाऊँगी या फिर कोई डार्कर टोन जो होता है वो कैमल कलर टाइप का मैं वो शो करूँगी। आप खदीना को देख सकते हैं, वो सारा कबाड़ा करने में लगी हुई है, वो चाह रही है कि उनके कपड़ों की डिटेलिंग वो खुद भी दें। हाँ, बैठ जाएँ आप, बैठ जाएँ आप, बैठ जाएँ, इसने सब मैसअप किया हुआ है। अभी आप लोग देख सकते हैं इस वक्त क्या हालत हुई हुई है रूम की। अजीना सिट डाउन। ताकि उसकी एलर्जी जल्द जल्द ठीक हो जाए, उसको गर्मी की वजह से एलर्जी हो गई है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुआ करें उसकी एलर्जी इससे पहले पहले ठीक हो जाए। वापसी हो गई थी हमारी, हजीना की तबीयत आज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही, इसकी वजह से मैं भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही। अभी तो उसको उसकी सीरप वगैरह सब देकर सुला दिया है, अभी इंशाल्लाह देखते हैं कि उसको जो मेडिसिन दी हैं, जो क्रीम्स दी हैं, वो उसको इफ़ेक्ट करती हैं नहीं। उसको गर्मी की वजह से एलर्जी जो है वो हो गई और वो एलर्जी जो है वो स्वेट की वजह से और ज़्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि जैसे जैसे स्वेट आता वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तेज़ी से ख़ारिश करती, तो वो उसके लिए मसला बन जाता। इसलिए आज का डे तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। इंशाल्लाह कल एक नई सुबह के साथ, एक अच्छे से व्लॉग के साथ मौजूद होंगे। कल वैसे ही चांद रात भी है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरेगी। और आज का व्लॉग ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जैसे आप लोग मुझ पर अपना प्यार निछावर कर रहे हैं ऐसे करते रहिएगा। खुसूसी ये पेज, ये चैनल, ये सब कुछ मैंने अपनी बेटी के लिए ही बनाया है, तो आप लोग जितना प्यार मुझे देंगे वो मेरे लिए, अलबत्ता वो मेरी बेटी के लिए होगा। इसलिए आप लोग इस पर ऐसे ही अपना प्यार बना के रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस ब्लॉग को देखिएगा और खजीना के लिए दुआ कीजिएगा कि खजीना जल्दी से बिल्कुल सेट हो जाए। अभी तो खजीना सो गई है।